नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाले वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अशोकनगर में दो अलग अलग घटनाओं से दो युवकों की मौत हो गई है, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शनिवार रविवार की दरियामिनी रात गुना और सारोरा रोड पर एक अज्ञात पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई है, जबकि दूसरे की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मृतक दीपक अहरवार इंदौर में काम करता था। वह अपने ससुराल वालों से मिलने अशोकनगर मोटरसाइकिल से आ रहा था। उसके साथ मृतक की बुआ का लड़का राहुल था, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतक दीपक के भाई संजीव ने बताया कि दीपक का विवाह कोड़ाई गाँव में हुआ था, पत्नी ने पारिवारिक विवाद चल रहा था, इस कारण ससुराल पक्ष वालों ने दीपक को मिलने बुलाया था। ससुराल पक्ष से मिलने के लिए वह मोटरसाइकिल से इंदौर से अशोकनगर आते समय रात करीब 1 बजे अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। दीपक के भाई संजीव ने ससुराल पक्ष पर तलाक के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही कहा कि ससुराल वाले मिलने नहीं बुलाते तो ये मौत नहीं होती। वहीं अशोकनगर में रविवार की दोपहर 12 बजे बोलेरो एवं मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में दिनेश निवासी पिपलौदा, सौरभ निवासी टू मैन, दीवान सिंह घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए देहात पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर से आ रहे थे। इंदौर से आ रहे थे, वो यहाँ क्यों आ रहे थे? जी आ रहे थे, इनके नाम पे ससुराल से थाना माना में रिपोर्ट हो गई थी। कौन ससुराल कहाँ पर है दीपक की? ससुराल कुड़ई है। कुड़ई है, तो ससुराल वालों से क्या विवाद चल रहा था? जब विवाद चल रहा था कि आज से 3 महीने पहले आई थी ऑपरेशन के बहाने, तो ऑपरेशन के बहाने ना इन्होंने ऑपरेशन कराया, बाद मात हुई, बोलने लगे हम नहीं भी जा रहे, हम नहीं कर रहे, तो इन्होंने अशोकनगर के परामर्श केंद्र में भी की शिकायत कर दी। हाँ, और भैया की शिकायत की, तुम्हारा कुछ सुनवाई नहीं हुई। हाँ, फिर बाद में यहाँ से उन्होंने फाइल पढ़वा के फिर उन्होंने बाकी राजपुर थाने में, हाँ फिर वहाँ से फोन आया तो ये आ रहे थे, तो इनके मतलब पैसे वैसे मांगते थे, क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे? वो परेशान करते थे ससुराल वाले, अन्य ससुराल वाले वो बोल रहे थे हम नहीं भी आ रहे, हम भी कहा तो भैया कि हम तो मतलब अभी करेंगे तलाक मिला कह रहे थे, तो अच्छा इसलिए परेशान रहती थी। हाँ, और परेशान कर रहे थे। तो मतलब जो दुर्घटना हुई आपको लग रहा है कि मतलब वो प्रताड़ित करते थे, इस वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, और किसी वजह से हुआ है, अगर वो फोन न लगाते तो वो नहीं आते। वो यहाँ वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो मतलब अभी महीना बनाएंगे, हर महीना। तो अभी तक मतलब पहले भी क्या पैसे देते रहे थे कि अभी नहीं बंदे रहते? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई, साथ ही सभी दलों के लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसमें सामाजिक संगठनों ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर माल्यार्पण किया। इसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शहर के प्रमुख मार्गों से होकर चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और जय भीम के नारों से पूरा चल समारोह गूंज रहा था। साथ ही बग्गी में सवार बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर सुसज्जित कर पूरे शहर में निकाली गई। युवाओं ने प्रण किया कि बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार हम चलेंगे और उनका पालन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस विधायक जसपाल सिंह जज्जू द्वारा संबोधित कर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश को एक प्रगतिशील संविधान देकर हर वर्ग में संविधान के प्रति श्रद्धा निर्मित की है। बाबा साहेब का जीवन पर्यंत संघर्ष समाज को संगठित करने के विचार एवं उनकी शिक्षा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहेब के समर्थकों द्वारा पूरे शहर में एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें बाबा साहेब की जयकारों से पूरा चल समारोह गूंज रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सामाजिक संगठन श्री गोकुल सेवा संस्थान द्वारा भी बाबा साहेब को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जैसा कि अभी गौरिया जी ने कहा, बाबा साहब एक मानवतावादी व्यक्तित्व थे, उन्होंने हमेशा सबसे आगे मानवता को रखा। उनका दृष्टिकोण, नजरिया मानव के प्रति ये था कि मानव मात्र एक समान है,
कि सभी मानव एक हैं, एक समान है, उसमें प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन हम इंसान उस समय की परिस्थितियाँ कितनी विषम रही होंगी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कि जबकि यदा कदा कुछ इस तरह की प्रवृत्तियाँ मानवों में आज भी देखने मिलती हैं जो मानवता को कलंकित करती हैं। पटा हुआ था, नीच ऊंच छुआछूत बहुत सारी विडम्बनाएं साथ थी। उस समय बाबा साहब ने उन निरी अछूत और छोटे लोगों के लिए संघर्ष किया, जिनके बारे में उस समय सोचना भी एक तरह से गलत माना जाता था। एक अलग से सब समाज बन गया था जो उस नीचे समाज को केवल उनके बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा था। तब बाबा ने एक संघर्ष किया और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चालू किया और आम आदमी के दिमाग में उन बुद्धिजीवी वर्ग को ये सोचने पर मजबूर किया कि मानव मानव है और आपको सोचना पड़ेगा। और आज उसी की परिणति है कि आज पूरी दुनिया में, आज हमारे देश में एक समानता की भावना हर मानव के मन में पैदा हुई है। उसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी और बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि वाले इंसान थे। स्वतंत्रता आंदोलन में बाबा साहब की अहम भूमिका रही है। लक्ष्य सबका एक था कि मानव के हितों की रक्षा कैसे की जाए। उस समय का जो विदेशी शासन रहा वो जिस तरह से अत्याचार कर रहा था भारतीय नागरिकों पर, उसके सख्त विरोध में रहे हमेशा बाबा साहब। तो ये कहना है कि उन्होंने उनकी सीमित भूमिका थी ये गलत है। बाबा साहब की भूमिका, जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आंदोलनकर्ता थे उसी भूमिका में बाबा साहब हमेशा रहे। लेकिन बाबा साहब ने उससे अलग हटके एक मानवता का जो आंदोलन चलाया वो उनको उन सब लोगों से और भी श्रेष्ठ साबित करता है। आज उन बाबा साहब उनकी पूरी टीम ने जो देश का संविधान निर्माण किया उसमें मान्यता है कि बाबा साहब की सबसे अहम भूमिका रही। तो आज उसी संविधान से हमारा राष्ट्र चल रहा है। तो किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाबा साहब हमारे राष्ट्र को संचालित कर रहे हैं। आज हम इस मौके पर उनको नमन करते हैं और बाबा साहब हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी बाबा साहब का नाम हमेशा इस देश में याद किया जाएगा। बाबा साहब हमेशा हमारे साथ बाबा साहब। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में जहां 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है तो वहीं बैसाखी से एक दिन पहले नगर कीर्तन में पहली बार जिले का भ्रमण किया। 15 लाख की बस में गुरु ग्रंथ साहब को सजा कर 174 किलोमीटर लंबी नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें जगह जगह अरदास हुई और जत्ती का स्वागत किया गया। वहीं देर रात नगर कीर्तन वापस गुरुद्वारे में लौटा। आज रविवार को दोपहर 3:30 बजे से शहर की संजय स्टेडियम में जत्था द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए और तरह तरह के करतब सिख समाज के लोगों द्वारा दिखाए गए, जिसमें सिख समाज के इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं मुंगावली विधानसभा के विधायक बृजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। यह करतब लगभग 1 घंटे तक चला, जिसमें सिख समाज के जत्थे द्वारा तरह तरह के हैरान कर देने वाले करतब दिखाए गए, जिसमें आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। करतब में अपनी जान पर खेलकर सिख समाज द्वारा अपनी आँखों पर नमक डालकर फिर आँखों को बांधकर दूसरों के पास रखे सभी नरियलों को बिना देखे तोड़ा, जिसमें सभी के होश उड़ा दिए। इसके बाद गले पर नरियल रखकर काटा गया, मटकों को तोड़ा गया, सीने पर नरियल फोड़ा, कीलों वाले बिस्तर पर लेटकर फिर बर्फ की चट्टानों को रखकर फोड़ा गया, दोनों हाथों से बुलेट मोटरसाइकिल को खींचा गया। ये सभी करतब चौंकाने वाले थे। आप देखिए जत्थों द्वारा किया गया हैरतअंगेज करतब। देखते रहिए SRO सुखनगर। Yeah, yeah, yeah.
अपने पट्टा पुट्टा नू तेल ला लो।